हेलो जी, स्वागत है भाई नई वीडियो में। ये देखो पैकिंग पूरी चल रही है और समय हो चुका है, 10 बज गया है। और ये देखो पार्किंग काफ़ी अच्छी थी, एक बार कोल्ड स्टार्ट कर ले थोड़ा सा। अब यहाँ पे हल्की हल्की ठंडी आने लग गई है, स्टार्ट हो जाना बिल्लो। ये इनके भी फोन से एक बार बना देते हैं। आए हाय, ओए ओए, पैकिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखो तो बिल्लो जो है अपनी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। रूम भाई काफी अच्छा था, वो देखो बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है वहां पे। हाँ भाई, रूम एक नंबर था। तो फाइनली गाड़ी जो है अपनी स्टार्ट है, बिल्कुल रेडी है। तो ये अपने नवल ग्रुप, और एक बार बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखो कुछ बाहर का नज़ारा है ऐसा, काफ़ी बढ़िया लोकेशन थी यहाँ पे। तो कोई नहीं, अब फटाफट से कुछ खाते हैं, नाश्ता करके उसके बाद निकल लेते हैं। देखते हैं यहाँ से देवप्रयाग जो है, कर्णप्रयाग जो है यहाँ से 200 किलोमीटर है, और आज देखते हैं 200 किलोमीटर कवर करना है पहाड़ों पे, कर पाएंगे कि नहीं। हम तो कर लेंगे, हमारे साथ जो है वो चल पाएंगे नहीं। नाश्ता करके फिर भाई निकलते हैं यहाँ से। तो भाई आज जो है चलने के बाद पहला स्टॉपेज, हाँ इनको हमने किया था हम सब, तो साइकिल से गया बंदा। तो ये कुछ नज़ारे हैं यहाँ पर, रुक के पानी वानी पी के फिर चलते हैं थोड़ी दूर। इंजन ऑयल इनकी गाड़ी बाहर ही है, मन की खोल के देखना पड़ेगा, दिक्कत तो है। कुछ देर के लिए लड़के यहाँ पे फोटो शूट करने लग गए। ये देखो यहाँ नीचे से रोड ऐसे घूम घाम के फिर हमको, हम लोगों के इधर ही आना, इसे डायरेक्ट उतार देगा भाई। अब जाके भाई ये नदी दिखी, इतना चलने के बाद में 500-600 किलोमीटर है। तो आज 130 किलोमीटर डन कर चुके हैं, बहुत रास्ते भाई ख़राब थे, अब जाके ये ऐसा रास्ता मिला देखो। और अभी 130 किलोमीटर और चलना है, कर्णप्रयाग पहुंचने वाले हैं, गोपेश्वर तक की जाना है हमको। खिलाया आज कुछ है नहीं, खाली पानी सारे चल रहे भैया, नमकीन खिला के काम बना रहे हो तुम लोग हैं। लो भाई गजब की चल रही है, एक नंबर की। तो यहाँ कुछ देर के लिए भाई खाना खाने के लिए रुके हैं। ये देखो वो अंग्रेजन के ज़माने खुले ही हो लोहे वालों, हम फंस गई निकल गई। पानी की आवाज़ देखो आ रही, ये लोग देखो अपने छतों पे घास के ढेर लगाए हैं। तुमसे प्यारा तो यार मुन्ना को यार रॉयल इनफील्ड मिली गई। ये देखो दिलबाग में है, ये कर्णप्रयाग से थोड़ा सा पास में, कर्णप्रयाग ही मानो ये। तो यहाँ पे गाड़ी अपनी चेक करवा रही है, टायर दिक्कत कर रही है, तो इसी चक्कर में रुके हुए हैं। चलो इसी बहाने आराम भी कर लेंगे थोड़ी। हम लोग शाम के 7:30 बज गए। ये देखो रुद्रनाथ पैदल मार्ग, 18 किलोमीटर पैदल चलना है, बिल्कुल खड़ी चढ़ा है यार, कैसे चढ़ पाएंगे पता नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे। ऊपर रूम मिलता है वहाँ पे मंदिर में, हाँ हाँ वहाँ मिलेगा, रास्ते में मिल जाता है। बाहर से भी अपने होटल का ये देखो, और ये अपनी आज बाइक जो है बाहर ही पार्क करनी पड़ी। हमारा जो होटल है हरिओम, और वहाँ से चढ़ाई होगी।
रुद्रनाथ के लिए। एक पीछे भी गेट है रुद्रनाथ के लिए, वहाँ से भी आप चढ़ सकते हैं। वो उधर रुद्रा होटल रुद्रा है। तो कोई नहीं, अभी कुछ खाते हैं, खाने के बाद सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के तुरंत निकलेंगे भाई जल्दी से। तो आखिरकार लास्ट में ये हम लोगों को रूम मिला है। अरे वह बाहर का नज़ारा देखूँ, ये कुछ दिखा, लाइट बंद करें अंदर की, ये वो कुछ बाहर का नज़ारा है पहाड़ों पे। वो अपनी बाइक के पार्क हैं, ये देखो लक्की भैया आ रहे हैं अभी। आज भाई हालत ख़राब हो गई पहाड़ों पे चल चल के। अब भैया गुरु आए हैं, लंका लग गई यार, हाँ बहुत पैदल कर रहे हैं आज। चलने में भाई इतनी तकलीफें हुई हैं, मोड़े भाई इधर से बहुत ज्यादा। कौन सी रास्ता से है गुरु हम लोग? तुम पहले बताओ।